हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंगाल ऑटो। आशा करता हूँ घर में सभी अच्छे। जावा ने जब इंडिया में री एंट्री किया था उसमें से दो बाइक लेके आया था, जावा क्लासिक एंड जावा 42। उसमें से 42 और बहुत ही अच्छा सेल काउंट लेके आया था, इसीलिए 2013 में जावा ने 42 में एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया है, कॉस्मिक कार्बन। सो आज वही सेम गाड़ी आप लोग लेके आए। तो विदाउट अ वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं शोवन, आप देखते रहिए बंगाल ऑटो। बाइक में आपको सेम 293 सीसी का लिक्विड एंड एयर कूल इंजन मिल जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा 27.33 Nm एंड मैक्सिमम टॉर्क 27.2 Nm विद 6 स्पीड गियरबॉक्स। अगर हम लोग सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा एंड रियर में हाइड्रोलिक ट्विन शॉकर अब्सॉर्बर। अगर हम लोग व्हील की बात करें, सामने आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स एंड रियर में आपको 70 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। अलॉय व्हील का डिजाइन भी काफी बेहतरीन और सिंपल रखा गया है। और फ्रंट में आपको 90x90 आर 80 इंचेस एंड रियर में आपको 120x80 आर 70 इंचेस के ट्यूबलेस टायर यूज किया गया है। और ब्रेकिंग में आपको फ्रंट एंड रियर बोथ आर डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल एबीएस। फ्रंट में आपको 280 mm का डिस्क यूज किया गया है और रियर में भी आपको 280 का ही डिस्क यूज किया गया है। चलिए अब देख लेते बाइक दिखने में कैसा है। शुरुआत करते फ्रंट लुक से। कंपनी ने जावा 42 के अंदर एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया है, कॉस्मिक कार्बन, जो देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, जो बाइक को थोड़ा बहुत डिफरेंट लुक भी प्रोवाइड करता है। फ्रंट में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और अलॉय का डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल और बेहतरीन है। मुझे तो पर्सनली ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड व्हील के अंदर आपको जावा का ब्रांडिंग मिल जाएगा एंड क्लासिक लेजेंड का स्टिकरिंग भी मिल जाएगा एंड 280 mm का फ्रंट डिश विथ बाइवेयर का कैलिपर। फ्रंट व्हील कवर आपको पूरे मेटल में ही दिया गया है और काफी ज्यादा स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन में प्रोवाइड किया गया है, जो गाड़ी के डिजाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। फ्रंट का हेडलाइट आपको राउंड शेप में दिया गया है, उसके ऊपर आपको ब्लैक में थोड़ा सा बॉर्डर लाइन मिल जाएगा, जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हेडलाइट के ऊपर छोटा सा राउंड शेप में बटन जैसा स्टाइल एलिमेंट दिया गया है, जो देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। हेडलाइट आपको हेलोजन में दिया गया है। कंपनी को यहाँ पे एटलीस्ट एलईडी हेडलाइट दे देना चाहिए था। कंपटीशन में ऑल अदर ब्रांड्स ऑलरेडी एलईडी का यूज कर रहा है। और हेडलाइट के दोनों साइड में आपको फ्रंट का टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और हेडलाइट के नीचे आपको नंबर प्लेट का जगह मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको बहुत ही छोटा सा राउंड शेप में बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको एनालॉग एंड डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। आपको स्पीडोमीटर मिलेगा एनालॉग में, बाकी अदर्स इंफॉर्मेशन ऑडोमीटर ट्रिप मीटर ये सारा आपको डिजिटल में मिल जाएगा। आपको सिंगल रॉड हैंडल बार मिल जाएगा और कंट्रोल स्विच की क्वालिटी काफी बेहतरीन है। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट एंड ट्रिप मीटर के कंट्रोल्स मिल जाएगा एंड लेफ्ट साइड में लाइट के कंट्रोल्स, इंडिकेटर एंड हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। और जावा 42 बोर्ड में आपको बार एंड मिरर्स मिल जाएगा, जो देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है एंड हैंडल बार के सेंटर में आपको जावा का बैंडिंग मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और फ्यूल टैंक काफी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया, जो देखने में भी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। और फ्यूल टैंक में आपको 42 एंड क्लासिक लेजेंड का स्टिकरिंग कार्बन फाइबर में मिल जाएगा और फ्यूल लाइट आपको राउंड शेप में दिया गया है।
फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको जावा का ब्रांडिंग एंड जावा का सिग्नेचर लोगो भी मिल जाएगा। 42 बॉर में आपको ब्रॉड सिंगल फ्लैट सीट मिल जाएगा एंड सीट की क्वालिटी भी काफी अच्छा है। इस बाइक में आपको राइडर के साथ साथ पिलियन कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है। एज पर द सीट क्वालिटी पिलियन को भी काफी ज्यादा बेहतरीन राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। पिलियन सीट के ऊपर आपको जावा का सिग्नेचर स्टाइलिंग मिल जाएगा और पीछे जावा का बैंडिंग मिल जाएगा। सीट के नीचे टूल बॉक्स में आपको जावा का सिग्नेचर लोगो भी दिया गया है। रियर व्हील कवर आपको फुल मेटल में ही प्रोवाइड किया गया है। व्हील कवर में आपको थोड़ा बहुत शार्प लाइनिंग मिल जाएगा एंड कार्बन फाइबर का स्टिकरिंग और नीचे आपको छोटा सा स्क्वायर शेप में टेल लाइट दिया गया है जो कि हैलोजन में है और टेल लाइट के दोनों तरफ आपको रियर इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इंडिकेटर्स ऑल आर हैलोजन और नीचे आपको नंबर प्लेट का जगह मिल जाएगा और एक छोटा सा राउंड शेप में रिफ्लेक्टर भी दिया गया है और पीछे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक के साथ साथ बाइक ब्रेक का कैलिपर। अगर हम लोग ओवरऑल बाइक की बात करें, बाइक के डिजाइन में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किया गया पर बाइक में एक नया कलर ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है, कॉस्मिक कार्बन, जो देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। मुझे तो पर्सनली ये कलर बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस बाइक के ऊपर ये कलर काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लाइट यूनिट एटलीस्ट एलईडी कर देना चाहिए था कंपनी को। अब अगर आपको कम बजट में मॉडर्न क्लासिक लुकिंग वाला बाइक चाहिए तो आप ये बाइक जरूर कंसीडर कर सकते हो। बाइक का हॉर्न साउंड एंड एग्जॉस्ट साउंड ये रहा आपके लिए। वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स टू न्यू डायनामिक ऑटो कैफे। मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आपको अगर जावा की कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत हो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नाउ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब बेंगाल ऑटो। थैंक यू सो मच।